हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर करवाए हैं, ठीक है। मैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। तो आज मैं आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझा रही हूँ। बहुत ईजी है बच्चों, ये भी देखिए, मैंने एक यहाँ पे नंबर लिया है डेसिमल वाला, और ये एक सिंगल पॉइंट है, और यहाँ पे भी ये दोनों डेसिमल हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसे मल्टीप्लाई आ जाते हैं बच्चों? तो नॉर्मली अगर आप रफ वर्क करके देखें बच्चों, ठीक है, तो 2.5 × 7, रफ मत कीजिए, लेकिन आप रफ करेंगे तो इधर कर दीजिए। देखिए मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे 7 × 5 = 35, और यहाँ पे 3 कैरी, 7 × 2 = 14, 14 + 3 = 70। अब हमारा आंसर क्या है? 175। अब यहाँ डेसिमल कहाँ पे लगेगा बच्चे? इसमें देखिए, अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा बच्चों? एक नंबर से पहले पॉइंट डेसिमल है ना, और यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है, तो एक पॉइंट से पहले डेसिमल लगेगा। बस ये करना है, इतना इजी है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.3 से। कैरी सिंपल मल्टीप्लाई जैसे होते हैं वैसे ही कैरी लगेगा, सब कुछ सेम उसी की तरह से होगा, ठीक है, बस आपको डेसिमल देखना है। तो 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 6 × 18 + 1 = 19। ये डिजिट हम जो है छोड़ते हैं ना वंस प्लेस, 10 से कर रही हूँ, 5 × 10, फिर 1 कैरी, 6 × 12 + 13। अब इन्हें मैं कर रही हूँ ऐड, 5, 9, 4, 1, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर में क्या नहीं लगाया हमने? डेसिमल। तो देखिए इस नंबर में एक डेसिमल वन नंबर से पहले है, और इसमें भी वन नंबर से पहले, तो 2 डेसिमल हो गए, तो 1 और 2 यहाँ आएगा डेसिमल, ठीक है ना इजी। अब मैं 3 डिजिट का करके आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जिस डिजिट से पहले, जितने भी डिजिट से पहले आपका जो है डेसिमल आ रहा है, आपने पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके ऊपर डेसिमल लगा देना। देखिए 95.21 या 22 लगा देती हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ 4.5 से, ठीक है। तो अब 95.22 को हम यहाँ 22 नहीं बोलते हैं, 22, ठीक है, और 4.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे 4.5 से। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों में क्या करना है? देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 = 11, कैरी, 5 × 5 = 25 = 26, 9 × 5 = 45 + 2 = 27। अब पहला प्लेस छोड़ के 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45 and 2 = 47। सिंपल मल्टीप्लाई की तरह हो गया। अब इन्हें ऐड करेंगे, 14, 8, 11 and 5, ये आया आंसर। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा? देखिए यहाँ 2 नंबर से पहले डेसिमल है, और यहाँ 1 नंबर से, यानी 2 नंबर से पहले डेसिमल और 1 नंबर से पहले डेसिमल, तो 3 नंबर से पहले डेसिमल, 1, 2, 3 यहाँ डेसिमल आएगा। बस इसी तरीके से करना है बच्चों। अगर यहाँ भी 2 नंबर होते तो जब आंसर आता तो हम 1, 2, 3, 4, तो यानी 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, तो यहाँ हम 4 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल आता। अगर एक डिजिट यहाँ और होती तो 3 नंबर से पहले डेसिमल हो गया, यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल हो गया, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ डेसिमल लगा देते। बस आपको सिंपल जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर जब डेसिमल लगाने का नंबर आता है तब आपको काउंट करना है, कि हमेशा हम पीछे यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ से गिन रहे हो, इस साइड से हम देखते हैं कि हमारा जो पीछे की साइड से, याद रखना पीछे की साइड से आप हमेशा देखते हैं कि कितने नंबर से पहले हमारा डेसिमल लगा हुआ है। आई होप आपको आज का वीडियो बच्चों समझ आया होगा। कल मैं आपको जो है डिवीजन समझाऊंगी, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।